वामसी और लता एक विवाहित जोड़ा एक दूसरे के साथ प्यार और स्नेह के साथ रहते हैं। इसी तरह वामसी का दोस्त रमेश और उसकी पत्नी स्वाति भी। दिन गुजरते रहते हैं और एक दिन वामसी अपनी पत्नी से कहता है, लता तुम बहुत बदल गई हो। तुम अपनी सुंदरता का ख्याल रखने की बजाय मुझ पर ध्यान देती हो। ये देखकर आजकल मैं बहुत खुश रहता हूँ। मैं पहले भी ऐसी ही थी, बस अपनी सुंदरता का ख्याल करती थी। अब ऐसा नहीं है, मैंने अपनी सुंदरता की परवाह करना बंद कर दिया। अगर तुम हमेशा ऐसी ही बनी रहोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। फिर लता के दिमाग में कुछ आया। हाँ अच्छा सुनो, मैं तुमको कुछ बताना भूल गई। अगर मैं फिर से गोरी हो जाती हूँ तो मैंने भगवान से कसम खाई थी कि मैं प्रसाद चढ़ाऊंगी। उनकी कृपा से मैं फिर गोरी हो गई हूँ। प्लीज हम कल मंदिर जाएंगे। वामसी ने जो किया था उस घटना को याद करके वो हंसने लगा। ये देखकर, अरे तुम हंस क्यों रहे हो? इसमें हंसने की क्या बात हो गई? वामसी सोचता है कि उसे उससे सच्चाई नहीं छिपानी चाहिए। लता पहले तो मुझे माफ करो। तुम में बदलाव लाने के लिए तुमने जो दूध पिया था उसमें मैंने एक दवा मिला दी थी जिससे तुम काली हो जाओ, इसलिए कुछ दिनों के लिए तुम्हारा रंग काला पड़ गया। एक बार जब दवा का असर खत्म हो गया तो तुम वापस गोरे रंग की हो गई। मैंने तुम्हारे साथ सिर्फ ऐसा तुम में बदलाव लाने के लिए किया, इसमें भगवान का चमत्कार कुछ भी नहीं था। ये सुनकर लता भी वामसी के साथ हंस पड़ती है। तो ये तुम्हारा काम था? हद हो गई। लेकिन मैं डर गई थी कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। दोनों हंस पड़े। कुछ दिनों का समय बीत जाता है। एक दिन वामसी अपने दोस्त रमेश के घर से मिलने जाता है। अरे वामसी अंदर आओ, तुम्हें देखे हुए बहुत समय हो गया, कैसे हो तुम? मुझे क्या हुआ है, मैं एकदम भला चंगा हूँ। तभी रमेश की पत्नी स्वाति वहाँ आती है। भैया आपकी बीवी में कोई बदलाव आया या वो पहले जैसी ही है? वामसी खुश होकर कहता है, अब तो वो पूरी तरह से बदल गई है भाभी, क्रेडिट आपको जाता है। अब उसे अपनी खूबसूरती से ज्यादा मेरा ज्यादा ख्याल रखने की परवाह है। मैं इसके बारे में ही आपको बताने आया। वामसी ये कहकर अपने घर चला जाता है। कुछ दिनों के बाद एक दिन लता खरीदारी के लिए जा रही होती है। वो अपनी पुरानी दोस्त प्रिया को देखती है। ए प्रिया, कितना समय हो गया तुमसे मिले हुए, कैसी हो? हाँ सब बढ़िया चल रहा है, तू कैसी है बताना। मैं भी भली चंगी हूँ। तुम तो अच्छी ही रहोगी लता, तुम हमारे कॉलेज की ब्यूटी नहीं कहलाती थी क्या? अभी भी याद है। अब वो समय नहीं रहा यार, अब मैं इस पर इतना ध्यान नहीं देती। ये कैसे पॉसिबल है, क्या कोई इस तरह ख्याल रखना छोड़ता है? कभी भी इसे निगलेक्ट नहीं करना, हमेशा बना कर ही रखना। मुझे तुमको एक और जानकारी देनी थी। अगले महीने के अंत में सौंदर्य प्रतियोगिता होने वाली, फर्स्ट प्राइज 1,00,000 रुपए है। मुझे तो लगता है यदि तुम ट्राई करो तो 100% है कि तुमको मिलेगा पुरस्कार, एक बार सोच लो। अब मुझे जरा कुछ जरूरी काम पर जाना है। लता को उलझन में डालकर प्रिया वहां से चली जाती है। लता इसके बारे में सोचने लगती है। लता को समझ नहीं आ रहा था कि प्रतियोगिता के लिए क्या करे। कुछ समय बाद वो एक निर्णय पर आती है। एक सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेने की मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी। मेरे पास सुंदरता है, अगर मैं अभी इसका उपयोग नहीं करती तो कब करूंगी? हाँ मैं प्रतियोगिता में भाग लूंगी। उस निर्णय के साथ वो एक शॉपिंग मॉल में जाती है और विभिन्न प्रकार की क्रीम और पाउडर खरीद लेती है। वो उन्हें आईने के सामने रखती है। वामसी देखकर, लता ये सब क्या है, ये फिर से कहाँ से आ गए? मैंने ही खरीदी है ये सब चीजें। तुम उन्हें इतना पैसा खर्च करके क्यों ले आई? लता वामसी को विस्तार से समझाती है। वामसी ये सुनकर फिर से चौंक जाता है। ऐसी बातें ना करो लता प्लीज, मैं इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तुम मुझे इस मामले में डिस्करेज ना करो, मैं इस प्रतियोगिता में जरूर भाग लूंगी। लता वामसी की परवाह किए बिना वहाँ से चली जाती है। अगले दिन से स्थिति पहले जैसी हो जाती है। लता हमेशा आईने के सामने बैठी रहती है और अपना ग्लैमर बढ़ाने के लिए पैसे खर्च करती रहती है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं लता को घर के कामों की परवाह नहीं रहती, बल्कि वामसी उन्हें करता है। लता ने वामसी की भी देखभाल करना एकदम बंद कर दिया।
समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए तो वामसी रमेश के घर भागता है और उन्हें लता के बारे में बताता है। उसकी बात सुनकर स्वाति, भैया जैसे पहले मैंने बताया था ना, प्लीज वही दवा दूध में मिलाकर पिला दो, ये ठीक रहेगा। अब ये काम नहीं करेगा, ये सोचकर कि वो बदल गई है मैंने उसे सच बता दिया था। अब वो जो भी खाती है बहुत सोच समझ कर, कोई और आइडिया। उसके ऐसे कहने पर स्वाति, अरे रे ये क्या किया भैया, अब हम कुछ नहीं कर सकते, केवल भगवान ही बचा सकते हैं अब तो। उसकी बात सुनकर वामसी और भी टेंशन में आ जाता है, वो वहां से निकलकर अपने घर जाने लगता है। रास्ते में वो एक मंदिर जाता है और भगवान से अपनी पत्नी को बदलने की प्रार्थना करता है। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान वामसी के सामने प्रकट होते हैं। हे भगवान, आप मेरी समस्या के बारे में जानते हैं, तो आप कोई रास्ता दिखाओ और मेरी पत्नी से उसकी सुंदरता वापस ले लो। लेकिन तुमने तो खुद ही एक खूबसूरत पत्नी मांगी थी, मुझसे भूल गए? अब मुझे एहसास हुआ भगवान, मुझे एक सुंदर पत्नी नहीं, एक समझदार और प्यार करने वाली पत्नी चाहिए, दुखी होकर कहता है। तब देवता, क्योंकि तुम्हारी पत्नी अत्यधिक सुंदर है, वो ऐसा व्यवहार कर रही है, इसलिए मैं उसकी सुंदरता को थोड़ा कम कर दूंगा। ये कहने के बाद भगवान गायब हो जाते हैं। दो दिन बीत जाते हैं, लता के चेहरे पर पिंपल्स हो आते हैं और साथ ही काले धब्बे भी। उन्हें देखकर लता चौंक जाती है। अय्यो, ये क्या है, दो दिन से मेरा चेहरा ऐसे बदल क्यों रहा है? मुझे लगता है कि बहुत सारी क्रीम लगाकर मैंने अपना चेहरा खराब कर लिया है। बेवजह मैंने प्रिया की बात सुनी और बेवजह की बात में पड़ी, मैंने वामसी के लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी। छी, अगर मैं इस चेहरे के साथ बाहर जाऊं तो लोग नाक भौं से कोड़ेंगे, थूकेंगे। अच्छा होगा अगर मैं सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेने के विचार को ही छोड़ दूं। लता सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपने ख्याल को छोड़ देती है। वो सारी क्रीमें कूड़ेदान में फेंक देती है, घर के कामों में मन लगाती है और फिर से वामसी से प्यार से बात करने लगती है। ये देखकर वामसी लता में बदलाव आने पर खुशी महसूस करता है। उसके बाद अगले कई वर्षों तक लता और वामसी खुशी खुशी रहते हैं। धर्मावर नामक गांव में श्रावणी और उसका भाई चिंटू रहते हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले एक दुर्घटना में अपने माता पिता को खो दिया और वे अनाथ हो गए। पता चलने पर उनके चाचा शिव उन्हें अपने घर ले जाते हैं और उनकी देखभाल करने लगते हैं। लेकिन उनकी पत्नी लता शिव का प्यार से उनकी देखभाल करना पसंद नहीं करती है। एक दिन वो शिव से पूछती है, ये क्या हो रहा है, तुम्हारे भाई के बच्चे यहां और कितने दिन खेलेंगे और खाएंगे, वे इस घर को कब छोड़ के जाएंगे? ऐसे क्यों पूछ रही हो लता, उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया और अनाथ हो गए हैं। अगर हम उन्हें अभी ऐसे ही छोड़ दें तो वो कहां जाएंगे, उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। मेरे भाई और भाभी के बच्चे हैं तो क्या, वे हमारे बच्चों के ही बराबर हैं, मैं उन्हें अपने से दूर भेजना पसंद नहीं करूंगा, और तुम भी इसके बाद ऐसा नहीं सोचना, शिव लता को दृढ़ता से कहता है। लता बहुत क्रोधित हो जाती है और सोचती है, अगर मैं उन्हें रोज यातना दूं तो वे बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और यहां से भाग जाएंगे। वो उन्हें किसी तरह प्रताड़ित करने की सोचती रहती है। दो दिन बीत चुके हैं, एक दिन बच्चे घर के सामने खेल रहे थे। उस दिन उनके चाचा भी घर पर नहीं थे। ये देखते हुए लता, अरे तुम दोनों यहां आओ। चाची बताओ। लता ने दोनों बच्चों को कसकर थप्पड़ मारे। क्या तुम्हारे पास खेलने के अलावा और कोई काम नहीं है? तुमको क्या लगता है कि घर का सारा काम कौन करेगा? घर के अंदर जाओ, सारे बर्तन साफ करो और घर को साफ करो, चलो जल्दी से। दोनों बच्चे रोने लगते हैं और, चाची हम कोई काम नहीं जानते, चाची हम छोटे बच्चे जो ठहरे। तुम दोनों को खाना खाना तो आता है ना, ऐसे ही काम की भी आदत हो जाएगी। क्या तुमको लगता है कि तुम दोनों को खाना बनाकर परोसना मेरी ड्यूटी है? अंदर जाओ और काम पूरा करो, नहीं तो मैं आज तुम्हें खाना नहीं दूंगी, समझे? लता बच्चों को धमकाती है। वे डर जाते हैं और घर की सफाई करने लगते हैं। लता वहां आती है और, ए
अगर यहाँ साफ नहीं हुआ तो तुम्हें मेरी ओर से फिर से पिटना होगा, ध्यान रहे। लता अपने कमरे में चली जाती है। भले ही उन्हें काम कैसे करना है पता नहीं, फिर भी मुश्किल से घर की सफाई करते हैं और बर्तन भी धोते हैं। दीदी, चाची हमसे इतना चिढ़ के बात क्यों कर रही है और गुस्सा है? क्या वो हमें पसंद नहीं करती है अक्का? हाँ, वो हमें पसंद नहीं करती, इसीलिए वो हमेशा हमारे लिए गुस्सा दिखाती है। आज तो वो हमें पीटने ही लगी और हमसे नौकरों का काम करा रही है, देखा? हाँ देखा, लेकिन हमारे चाचा अच्छे हैं। एक बार जब वो वापस आएंगे तो हम उन्हें बता देंगे और वो चाची को सबक सिखाएंगे फिर। जैसे ही चिंटू ने ये कहा, लता उनके पीछे खड़े होकर उनकी बातचीत सुन लेती है। हे, क्या मैं रोज तुम दोनों को समय पर भोजन दे रही हूँ और तुम मेरे बारे में अपने चाचा से शिकायत करने की सोच रहे हो? अब देखो मैं क्या करती हूँ। वो एक छड़ी उठाती है और बच्चों को बुरी तरह पीटने लगती है। दोनों जोर जोर से रोने लगे। चाची, चाची, हमें मत मारो, प्लीज हमें मत मारो चाची, हम इसे सहन नहीं कर पा रहे हैं चाची, प्लीज। वे लता से विनती करते हैं। कुछ देर में वो मारना बंद कर देती है। आज से अगर तुम अपना मुंह बंद करके रहोगे और जो भी मैं कहूंगी करोगे तो यहाँ रहोगे, और अगर तुमने जाकर चाचा से शिकायत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। उसकी धमकी सुनकर बच्चे डर जाते हैं। उस दिन से वे लता के कहे अनुसार काम करने लगे। वे लता की यातना को सहन करते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। कुछ दिनों के बाद एक दिन उनके चाचा उनके लिए शहर से बड़े अच्छे नए कपड़े लेकर आते हैं। देखो बच्चों, ये कपड़े मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। वे बहुत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं और खुशी में उछलने लगते हैं। ये देख लता भड़क जाती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। छी, जिस तरह से खर्च कर रहा है, उनके कपड़े और पढ़ाई के लिए सारी संपत्ति लुटा देगा। अगर ऐसा हुआ तो मेरे बच्चों के लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा जो भविष्य में मेरे अपने होंगे। मैं इन बच्चों को जिस तरह भी यातना दूं, वे यहां से भाग ही नहीं रहे। जब तक मैं उन्हें मारना दूं, इन बेहुदा बच्चों से बचा नहीं जा सकता। दो दिनों के बाद लता बच्चों को बुलाकर, तुम दोनों मेरे कपड़े धो जरा और हमारी छत पर सुखा कर आओ जल्दी से। बच्चे कपड़े धोकर छत पर सुखाने के लिए टांग देते हैं। दीदी, कुछ समय पतंग के साथ खेलकर फिर जाएंगे नीचे। अगर चाची ने हमें खेलते देख लिया तो कचूमर बना देगी। चाची सो रही है, हम कुछ देर खेलते हैं और फिर नीचे चले जाएंगे। वे पतंग उड़ाने लगते हैं। लता वहां आती है और उन्हें पतंगों से खेलते हुए देखती है और सोचती है कि उन्हें छत से धक्का देकर मारने का ये अच्छा मौका है। वो चुपचाप बच्चों के पीछे आती है। बच्चे सबसे अनजान पतंग से खेलते रहते हैं। लता अपने दोनों हाथ फैलाती है और बच्चों को नीचे धकेलने की कोशिश करती है। श्रावणी अचानक एक तरफ हट जाती है। लता के हाथ चिंटू को छूते हैं और चिंटू को धक्का लग जाता है, लेकिन वो दीवार पकड़ लेता है और वहां से लटक जाता है। मदद के लिए चिल्लाता है। ये देख श्रावणी चौंक जाती है। वो चिंटू का हाथ पकड़ती है और उसे ऊपर खींचने की कोशिश करती। ओ भाई, डरो मत, मैं तुम्हें ऊपर खींचूंगी, लटके रहो प्लीज। श्रावणी बड़ी मुश्किल से चिंटू को खींचती है। ये देखते हुए नीचे से शिव मदद के लिए छत पर आने के लिए दौड़ता है। इस बीच श्रावणी चिंटू को सुरक्षित ऊपर खींच लेती है। उसे वहां लता भी दिखती है। अरे लता, तुम यहां हो? जब चिंटू नीचे लटक रहा था तो तुम उनकी मदद क्यों नहीं कर रही थी? लता क्या जवाब दे सोच नहीं पाती। तब बच्चे हिम्मत करके अपने चाचा को सारी बात बताते हैं। बच्चों की बात सुनकर शिव बहुत क्रोधित हो जाता है और लता को कसकर थप्पड़ लगाता है। छी, तुम जैसी औरत का यहां रहना बिल्कुल ठीक नहीं। बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों तुमने उन्हें इतना सताया और आज तुम उनकी जान लेने पर उतर आई? वो उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चे, चाचा, चाची को बाहर निकालोगे तो हमारी तरह अनाथ हो जाएगी ना? ऐसा करना सही नहीं होगा, ये तो आपसे पाप होगा। चाची को यहाँ हमारे साथ रहने दो अंकल, प्लीज। वे अपने चाचा से अनुरोध करते हैं। उनके अनुरोध को सुनकर लता को ग्लानि होती है
और वो शर्मिंदा होकर कहती है, तुम सभी कृपया मुझे क्षमा करो, मैंने गलती की है। वो उनसे अपनी गलती के लिए क्षमा करने की प्रार्थना करती है। शिव उसे क्षमा कर देता है और उसे घर में आने देता है। उस दिन के बाद से लता दोनों को अपने बच्चों की तरह मानने लगी।